शुरू शुरू में जब ये पेंडेमिक शुरू हुआ था और लोग कह रहे थे हाथ धो हाथ धो, हाथ धोना तो ठीक है, लेकिन जब अलग अलग एड्स में आपको याद है और सोशल मीडिया पर भी लोग एक दूसरे को हाथ धोना सिखा रहे थे ना, तो मुझे भी बड़ा अजीब लगा था। मैंने बताया हाथ धोना क्यों सिखा रहे यार, ये तो आता है। बिग FM पर आप सुन रहे हैं Then I realized कि नहीं, सिर्फ हाथ धोना नहीं, सही तरीके से हाथ धोना बहुत ज़रूरी है ताकि इस पेंडेमिक से बचा जाए। तो अब मुझे तो ये बात समझ आ गई है, और आपको ये बात अच्छे से समझाने के लिए ग्लोबल हैंड वॉश डे सेलिब्रेट करते हुए जो कि 15 तारीख को है, मेरे साथ हैं ये। हेलो, मेरा नाम डॉक्टर मेहुल एम भट्ट है। मैं मुंबई मलाड में एक प्राइवेट डॉक्टर हूँ और पिछले 6 महीने से गवर्नमेंट और प्राइवेट सेटअप में कोविड के पेशेंट का साइंटिफिक तरीके से इलाज कर रहा हूँ। हाथ क्यों धोने चाहिए, ये एक सवाल काफ़ी पेशेंट मेरे आजकल पूछते रहते हैं, और पिछले 6 महीने से आपने काफ़ी सुना रहेगा कि हैंड वॉश, हाथ धोना कितना महत्वपूर्ण है इस तरीके की पैंडेमिक या महामारी को रोकने के लिए। उसका एक साइंटिफिक रीज़न है कि ज़्यादातर जो रिसर्च हुआ है उसमें मालूम पड़ा है कि ऐसे जो वायरस है जो अपने नाक मुंह और आंख के द्वारा अपनी बॉडी में जाते हैं, और सबसे कॉमन रास्ता है अपनी नाक मुंह और आंख में जाने के लिए वो है अपने हाथ। और अगर अपने हाथ क्लीन होंगे तो ये वायरस या कोई भी बैक्टीरिया या दूसरा कोई भी वायरस हमारी बॉडी में अंदर जाने के लिए सक्षम नहीं हो सकता है। सो हाथ धोना आज की तारीख में बहुत ज़रूरी हो गया है और बहुत ही कॉमन चीज़ है वायरस को या बैक्टीरिया को हमारी बॉडी में अंदर जाने से रोकने के लिए। तो हाथ धोने की बात करते हुए जी, बिग FM आपके पीछे हाथ धोकर पड़ गया है। सो हाथ धोने से जुड़ी कुछ गलत फहमियाँ हैं जिसे दूर करने की कोशिश करेंगे डॉक्टर मेहुल से बस कुछ ही देर में। आप सुनते रहिए बिग FM, मैं हूँ आपकी जैसी रानी। गुड आफ्टरनून। बाहर से कोई भी आया दरवाजे पर ही अगर आपको भी आदत हो गई ये कहने की कि चलो चलो पहले हाथ धो, तो आप बिल्कुल मेरे जैसे हैं। हाय, गुड आफ्टरनून, मैं हूँ आपके जैसी रानी। बिग FM पर आप सुन रहे हैं आपके जैसी रानी। यस, कुछ भी टच किया, लिफ्ट का बटन टच किया, गाड़ी का हैंडल टच किया, कुछ भी किया, दिमाग में ये बात टन से बजती कि हाथ धोना है। और ये अच्छी बात है क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं कि ये तीन चीज़ें ही हैं जो हमें इस वायरस से बचा सकती हैं। एक, मास्क पहनकर निकले, दो, सोशल डिस्टेंसिंग रखें, दो गज की दूरी रखें, और तीन, लगातार हाथ धोते रहें। तो अब जब घर पर इंसान है तो चलिए साफ सफाई का वो ख्याल रख लेगा, लेकिन बाहर निकल रहे हैं तो बाहर कैसे सावधानी रख सकते हैं ये आपको बता रहे हैं आज डॉक्टर मेहुल। घर के बाहर जब जाते हैं तब हाथ का प्रोटेक्शन या फेस का प्रोटेक्शन कैसे कर सकते हैं, ये एक नया सवाल है क्योंकि आज अब थोड़े महीने हो गए हैं, लॉकडाउन ख़त्म हो गया है, अनलॉक चालू हो गया है, बस सर्विसेज वगैरह चालू हो गए हैं, लोग अपने ऑफिसेज में जाना चालू कर दिए हैं और मार्केट्स वगैरह भी खुल गए हैं। तो ऐसे समय में हम जब बाहर जाते हैं तब अलग अलग सरफेस को टच करने की एक हमारी आदत रहती है, तो आज की तारीख में ये एक चीज़ ध्यान रखनी है कि हो सके उतना आप अपने हाथ अपने शरीर के नज़दीक रखिए। हो सके तो एक नई आदत क्रिएट कीजिए, जैसे कि अपने हाथ अपनी जेब में ही रख सके या तो बगल में पकड़ के रखे, जैसे स्कूल में सिखाया जाता था जब हमारी टीचर हमको बोलती थी कि हाथ मोड़ के रखो। तो ये एक आदत नई हमें बनानी ज़रूरी है, क्योंकि अगर जहाँ जहाँ हमारे हाथ कॉमन सरफेसेस पे लगेंगे, जैसे बस का हैंडल है या बस की सीट है या फिर कोई मार्केट में कोई दुकान है या फिर, तो ऐसी जगह में हमारे हाथ में वायरस या बैक्टीरिया लग सकता है। और अनजाने में ही ये वायरस और बैक्टीरिया जब हम फेस को हाथ लगाते हैं तब वो बैक्टीरिया हमारे नाक आंख या मुंह के रास्ते से हमारी बॉडी में जा सकता है। डॉक्टर मेहुल आपको आगे बताने वाले हैं कि हाथ धोने से भी इस एक चीज से भी कई गलत फहमियां जुड़ी हुई हैं, तो दूर करेंगे जी। आप सुनते रहिए बिग FM, मैं हूं आपके जैसी रानी। गुड आफ्टरनून।
पहले के जमाने में आपको याद होगा कि कैसे घर के बाहर एक हैंडपंप होता था या फिर एक बर्तन में पानी रखा जाता था ताकि लोग घर में घुसने से पहले हाथ धोएं। तो सोच यही थी कि पता नहीं बाहर से आप आए हो, क्या क्या छुआ है, कौन सा वायरस आप लेकर आ सकते हो, तो उससे बचने का, उससे सुरक्षा का ये तरीका था जिसे आज इस पेंडेमिक में हम सभी ने समझा है, हम सभी ने इम्पोर्टेंस समझी है कि बहुत जरूरी है बार बार रेगुलर इंटरवल्स पर हाथ धोना। लेकिन सिर्फ हाथ धोना नहीं, सही तरीके से हाथ धोना। इस मैसेज के साथ सेलिब्रेट करते हुए ग्लोबल हैंड वॉश डे, हाय गुड आफ्टरनून, मैं आपके जैसी रानी। वैसे ये दिन 15 तारीख को है, लेकिन 15 तारीख तक हर रोज हमारे शो पर कोई ना कोई एक्सपर्ट आएंगे और आपको इसकी इम्पोर्टेंस बताएंगे। जैसे आज डॉक्टर मेहुल बता रहे हैं कि हाथ धोने से कई गलत फहमियां भी जुड़ी हुई है, राइट? सबसे पहली गलत फहमी ये है लोगों में कि सिर्फ हाथ धोना इनफ है। नहीं, हाथ धोने की भी एक तरीका है और उसके लिए आपको कम से कम 20 सेकंड तक अपने जो हाथ है उसे साबुन से घिसने हैं और साबुन से झाग बना के धोने हैं और फिर पानी डाल के अपने हाथ धोने हैं। सिर्फ सादे पानी से साबुन के बगैर हाथ धोने को हाथ धोना नहीं बोल सकते। दूसरी एक गलतफहमी लोगों के मन में ये है कि आजकल हैंड सैनिटाइजर के काफी मार्केटिंग हो रही है और लोग समझते हैं कि हैंड सैनिटाइजर साबुन से बेटर है। मैं एक बात बताना चाहूंगा कि हैंड सैनिटाइजर सिर्फ जब आप घर के बाहर होते हो, जब साबुन और पानी आपके पास नहीं है, तब आप हैंड सैनिटाइजर जो अल्कोहल बेस्ड है वो यूज कर सकते हो एज अ शॉर्टकट। तीसरा एक गलतफहमी लोगों के मन में ये है कि गर्म पानी चाहिए या सादा पानी चाहिए हाथ या मुंह या चेहरा धोने के लिए। मैं एक बात बताना चाहूंगा कि इसमें भी कोई डाउट नहीं है, एक सादा पानी ही अपना काम कर सकता है बशर्ते आप साबुन यूज करें, इसके लिए गर्म पानी की कोई जरूरत नहीं है। काफी लोग ये भी सवाल पूछते हैं कि घर में जो मेड्स आती है, काम वाली बाई या कोई आता है, तो उनको कैसे उनके हाथ क्लीन कर सके। देखिए, मेरा कहना ये है कि वो जो काम वाली बाई या मेड जो रहती है साबुन में ही काम करती है, फिर भी अगर वो बाहर से अपने घर में आई है तो सबसे पहला काम उनका ये है कि घर में साबुन के पानी से वो खुद के हाथ भी धो ले, तो इससे वायरस घर में फैलने के चांसेस काफी कम हो जाते हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर। तो इसी तरह आपके पीछे हाथ धोकर पड़ गया है बिग एफएम, बताता रहेगा, सेलिब्रेट करता रहेगा कि हाथ प्लीज धोएं और बचे इस वायरस से, सेलिब्रेट करते हुए ग्लोबल हैंड वॉश डे। सुनते रहिए बिग एफएम, मैं हूँ आपके जैसे।